सो गुड आफ्टरनून. आज पहले अपन चैप्टर वन और चैप्टर टू को फास्ट रिवाइज करते हैं, फिर चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थ्योरी है, जब तक रिवाइज नहीं किया तब तक कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो आप लोग भी चैप्टर वन पे आ जाओ, सबके पास बुक भी अब तो अभी. लेकिन इस बार आप लोग को बोलना है मैंने सुनना है. मैंने बोल दिया 5-6 दिन, कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए ना मेरे पास. हाँ 6 दिन हो गए ना. 17th को लिया था मैंने फर्स्ट, आज क्या है 23rd 24th हो गया ना. मैं फाइल मेंटेन करता इसलिए मेरे को पता है 6 दिन हो गए. ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर वन का नाम क्या है और इसमें कौन से सेक्शंस हैं? वन और टू. वन किस बारे में बात करता है? सिर्फ एप्लीकेबिलिटी, टाइटल, एक्सटेंट, मतलब नेम, एक्सटेंट और एप्लीकेशन. टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी. टाइटल क्या है और एक्सटेंट? ओके, एप्लीकेबिलिटी और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हाँ स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, इन्हें सब पे अप्लाई होता है. ओके, फिर हाँ बॉडी कॉर्पोरेट. लास्ट क्या है? सेक्शन नंबर टू. सेक्शन नंबर टू में क्या है, सब सेक्शन है, क्लॉजेस कितने क्लॉजेस है? 95. ओके, लेकिन आपको कितने हैं? आपको उससे कम है. ओके, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले एब्रिज प्रोस्पेक्टस याद है, मेमोरेंडम कंटेनिंग द सेलियंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस. यस, अकाउंटिंग सैनिट कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन किससे कंसल्ट करके? आईसीआई किससे कंसल्ट करता है? एनएफआरए जब तक बनानी तब तक नाकास. एनएफआरए का फुल फॉर्म नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए. उसके बाद नाकास का कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, लिखा है अपने पास. ये देखो, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिखा, ब्रैकेट करके नाकास लिखा है. ओके ओके ओके. इसके बाद अल्टरेशन है, हमको पता है एडिशन, ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन. हमने दो लोगों का अल्टरेशन भी देखा चैप्टर टू में, एमए और ए. दोनों में क्या लगता है अल्टरेशन के लिए? एसआर लगता है. ओके, फिर आर्टिकल मतलब ओरिजिनली फ्रेम या अल्टर टाइम टू टाइम, अप्लाइड इन पर्सन ऑफ करंट एक्ट या एनी प्रीवियस एक्ट जैसा. ओके, एसोसिएट कंपनी के लिए कितना परसेंट देखना पड़ता है? 20% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बना बताता है? सीजी किससे बात करके? आईसीआई किससे बात करता है? एनएफआरए, जब तक एनएफआरए नहीं तब तक नहीं. नाकास तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है ना, एनएफआरए नहीं है तब तक, ऐसा कुछ है क्या इसमें? वो बोल रहा है कि जब तक एनएफआरए नहीं है यानी ये सब होता नहीं तब तक आईसीएआई ने जो दिया है वही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे. नाकास का फुल फॉर्म में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा देगा, नेशनल एडवाइजरी कमिटी अकाउंटिंग, नॉट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे वो ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, ओके. ऑथराइज कैपिटल आपको पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड टो कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट. अदर बॉडी कॉर्पोरेट में अपना बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आता एज पर कंपनी साइड. ओके, बुक्स और पेपर या बुक्स एंड पेपर, अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, समन्स इसमें नहीं आते ना, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं. हाँ इसमें और हाँ इसमें क्या आएंगे? इसमें डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स में समन्स आते हैं. ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स, ओके, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, ये भी नहीं भूलना है. इट मे बी इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आता है फिर? All sums of received and paid, हाँ, all sales and purchases of goods and services, all assets and liabilities और cash flow. Cash flow है इसमें? Financial statement में. इसमें क्या है? इतना ही है? Okay. Items of cost है. Very good. Okay. इसके बाद फिर financial statement बोली तो अब लगे हाथ. Balance sheet, profit and loss statement of change in equity और cash flow. Cash flow किस किस को जरूरी नहीं है? गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप और स्मॉल कंपनी. ओके, और 1% कंपनी को एप्लीकेबल. तो इन लोगों को क्या नहीं करना है? इन लोगों को बैलेंस शीट नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, सब कि सिर्फ कैश फ्लो नहीं बनाना है, बाकी चीजें एप्लीकेबल है. ओके, और फिर
और डॉक्यूमेंट्स तो आपने बोली है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? समन्स, नोटिसेस, ऑर्डर्स, रिक्विजिशंस, रिक्वेस्ट, ये सब आता है. बहुत अच्छे. ब्रांच पता है, कॉल्ड अप कैपिटल, सीईओ, सीएफओ, कंपनी कंट्रोल. कंट्रोल में कौन सी चीजें थी? दो. पहले तो राइट टू कंट्रोल, राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स. मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को आप कंट्रोल करते हो, अपॉइंट करते हो, तो इसका मतलब आपके पास कंपनी पे कंट्रोल है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. इसमें लिखा था डिबेंचर्स, मैं आपको बताया था, याद नहीं आएगा, देख लो. डिबेंचर्स मतलब क्या है? स्टॉक्स, बॉन्ड्स और इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग अ डेट, वेदर कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज और नॉट. इसमें क्या नहीं आता? प्रोवाइडेड दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अदर इंस्ट्रूमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर. ये जो दो चीजें है, ए और बी, ये डिबेंचर नहीं कहलाएंगे. इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में एक बार देख लो, कुछ भूले तो नहीं आप लोग? सब बोले थे इसमें का? ओके. ओ एसोप, एसोप सुना है कहीं? क्या एसोप? प्रिस्क्राइब, हाँ, डेट और टाइम और प्लेस. डिस्काउंट पे रहता ना यूजुअली एसोप? डिस्काउंटेड रहता है? नहीं, ये डिस्काउंटेड रहता है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डिस्काउंटेड रहता है ना. स्वेट इक्विटी पे क्या डिस्काउंट? स्वेट इक्विटी तो आपको लगभग फ्री भी मिल सकता है. स्वेट इक्विटी इज रिसीट, आपका वो बुक्स निकालो जिसमें आपने ये डिस्टिंक्शन लिखा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स और एसोप का. ला 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 ला, मेरे एक कंसेप्ट उड़ गया. यस, इधर ऑप्शन है, उसके नाम में ऑप्शन है. उधर पसीना दिया जाता है, उसके नाम में पसीना है. या है ना जी. सबसे पहला क्या है? ये इन द नेचर ऑफ इंसेंटिव है, एसोप. लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर इज अ मोर लाइक अ कंसीडरेशन. तो ये एसोप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के सारे एम्प्लॉयज को एक साथ दिया जाएगा, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर ऐसा नहीं है. उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देंगे जो आपको क्या दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आईपीआर राइट्स, नो हाउ, या अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या कुछ ऐसा दे रहा है. ओके, वैल्यू एडिशन इन एनी नेम, कोई भी नाम से. ओके, दिस ऑप्शंस कैन बी इश्यूड विद कन्वर्जन राइट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस. ये ईसॉप पे कन्वर्जन राइट होते हैं एट प्री डिटरमाइंड प्राइस. कन्वर्जन राइट्स मतलब आपको ईसॉप्स ऑप्शंस है ना, दिस ऑप्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. यू मे और मे नॉट कन्वर्ट इनटू शेयर्स. हर एक एम्प्लॉय ने जबरदस्ती लेना ही है, ऐसा जरूरी नहीं. ऑप्शन दिया है उसको, वो नहीं लेता है तो क्या लैप्स हो जाएगा. ओके, और लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर में क्या है? दिस आर इश्यूड एट डिस्काउंटेड प्राइस और मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल. तो इसके बदले आप कैश भी ले सकते हो या अदर देन कैश भी आप ले सकते हो. लेकिन एसोप में आप काइंड पे कर सकते हो क्या? नहीं, एसोप में आपको पे करना पड़ेगा. ये इसका एक स्कीम होता है एसोप का, जो कि उस कैटेगरी के सारे एम्प्लॉयज को मिलता है, लेकिन स्वेट इक्विटी में ऐसा कोई स्कीम नहीं होता. इसमें लॉक इन पीरियड है एसोप में, इसमें एसोप में लॉक इन पीरियड नहीं है एक्चुअली, स्वेट में लॉक इन पीरियड है. ओके, रजिस्टर्स है सेपरेट, नो सेपरेट रजिस्टर. सेपरेट किसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है? स्वेट इक्विटी का, एसोप का नहीं. ओके, और ये 15% वाला भी एक है कि विदाउट सीजी अप्रूवल 15% से ज्यादा नहीं इशू कर सकते स्वेट इक्विटी शेयर, बट ये रिक्वायरमेंट एसोप में नहीं है. ओके, ये सारी भी चीजें देख ली. इसके बाद फिर से हम आ जाएंगे यहाँ पर. एक्सपर्ट बोलो तो क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वैल्यूअर और बस कॉस्ट अकाउंटेंट. एनी अदर पर्सन जिसके पास ऐसा पावर है कि वो सर्टिफाई कर सकता है कोई चीज, तो आप सर्टिफिकेट दे सकते हो तो आप एक्सपर्ट हो. इंजीनियर भी हो सकता है अगर वो सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये बिल्डिंग 80% कंप्लीट हो चुकी है. आई सर्टिफाई दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग इज डन 80%. इसको बोलते हैं एक्सपर्ट्स का सर्टिफिकेट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है, देखो ना यार, 1% कंपनी के लिए भी तो है, मैं बोला तुम लोग नहीं बोले. प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ स्टार्टअप मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट. आप 1% कंपनी भूल गए थे. स्टार्टअप कौन रिकॉग्नाइज करता है आपको एज अ स्टार्टअप? ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो आपको स्टार्टअप बोलता है कि आप स्टार्टअप हो? कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP.
याद है आपको बोला था DIPP है वहां पे, कुछ लोग हैं वो आपको एंजल इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा भी देते हैं रिकॉग्निशन भी देते हैं आपके पास यूनिक आइडिया हो तो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, देखिए यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 1.5 दिखा दिखा ना आपको, ये देखो ये हाईलाइटेड है DIPP, हाँ है ना, दिख गया। ओके इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, वाह फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो आप हिंदी में नहीं लिखेंगे वहां, आई नीड अ सेंटेंस, है क्या? फर्स्ट अप्रैल 31st मार्च, सेंटेंस क्या है? इन रिलेशन टू बॉडी कॉर्पोरेट मींस पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ एवरी ईयर एंड वेयर इट इज बीन इनकॉर्पोरेट ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी द पीरियड एंडिंग एज ऑन 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये पूरा लिखना है एज इट इज अपने को। ओके IFSC कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो इसके लिए क्या है? अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जो है अपने इसका फॉलो करो। ओके लेकिन अगर अदर देन IFSC कोई नॉर्मल कंपनी है तो उसको CG का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किस चीज के लिए अप्रूवल ले रहे हो? आपकी जो होल्डिंग कंपनी है उनका फाइनेंशियल ईयर से आपको अपना मैच करना है, बट उनका अपने हिसाब से नहीं है, उनका उनके कंट्री के हिसाब से। तो अगर आप IFSC हो तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, और अगर आप IFSC नहीं हो तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ओके 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 अगर इस एक्ट के आने से पहले से आप हो और आपका फाइनेंशियल ईयर कुछ भी हो उस टाइम पे, ये एक्ट आने के बाद आपको 2 साल का मौका दिया जाता है, आप इस एक्ट के हिसाब से अपने फाइनेंशियल ईयर अलाइन कर लीजिए, ठीक है? ये याद रखना। फ्री रिजर्व्स बोलो क्या क्या आता है? 2 साल किधर है ये मैडम? ये प्रोविजो नंबर लास्ट, हाँ 0.1.5 है, ठीक है। फ्री रिजर्व्स क्या है? डिविडेंड दे सकते हैं, जो हम एज इट इज डिविडेंड बोल के दे सकते हैं। क्या नहीं आता उसमें? अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट करके जो पैसा आया, ये सब नहीं आएगा उसमें। एनी चेंज इन कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, जिसकी वजह से कोई रिजर्व आया, हाँ आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे लाया तो जो गैप था आपने रिजर्व में डाला, क्या वो रिजर्व फ्री रिजर्व है? नहीं। गवर्नमेंट कंपनी नॉट लेस देन 51% ओके ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल डिसाइडेड बाय CG, सिर्फ CG या SG भी चलता है, या पार्टली CG पार्टली SG, या दो CGs, CG एक ही होता है, दो SG चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, नहीं तो बच्चे लिख देते ऐसे दो और पार्टली बाय दिस CG पार्टली बाय दैट CG, अरे ऐसा नहीं चलता। ओके होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो दूसरी जिसकी दूसरी कंपनी सब्सिडियरी है, तो एक्चुअली इसका मतलब समझ जाता है आपको सब्सिडियरी कंपनी पढ़ना पड़ता है। ओके ओके इशूड कैपिटल KMP, CEO, MD, मैनेजर, CS, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, एनी पर्सन नॉट बिलो 1 लेवल ऑफ सी सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज KMP बाय बोर्ड एंड लास्ट है अदर प्रिस्क्राइब अदर आज तक कुछ प्रिस्क्राइब किया नहीं। लिस्टेड कंपनी बताया मेंबर बोलो तो जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है या जिसने लिख के दिया है कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ या एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर ऑफ द कंपनी एज अ बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर इन केस ऑफ डिपॉजिटरी आपको बताया था मैंने CDSL NSDL ये 2 वर्ड्स लिए थे आपने सुना था कभी? हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे आज ब्रीफ बताता हूँ मैं आपको। ये NSDL और CDSL के बारे में देख लीजिए। NSDL नहीं सुना आपने? मैंने आपको बताया था डीमटेरियलाइजेशन का कंसेप्ट, ये लोग करते हैं वो डीमटेरियलाइजेशन कंसेप्ट। एक है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये एक डिपॉजिटरी है और एक और डिपॉजिटरी, ठीक है, ये है CDS सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस, ये भी कमर्शियल कंपनी है, ये भी कमर्शियल कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर देखो मुंबई में, GV नागेश्वर राव इज अ की पर्सन। ये करते क्या है? शेयर्स को इसमें करते हैं डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्लस आप जितने भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हो उस सब इनके थ्रू जाता है, सारे एक्चुअल शेयर्स इनके पास है और सबको इन्होंने कोड दे के रखे है, बस वर्चुअल बना दिया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फिजिकल चीज दे रहे हो उसकी जगह में आपको वर्चुअल मिल रहा है, तो ये बेसिकली सब फिजिकल डॉक्यूमेंट इनके पास है। ओके तो कंपनीज को भी अगर मैं नई कंपनी मेरे को अपने नए शेयर्स इशू करने हैं
तो मैं फिजिकल फॉर्म में बना के लोगों को दूंगा, फिर लोग एनएसडीएल में जाएंगे उसको कन्वर्ट करा के लेंगे, इट्स अ कंबरसम टाइम, टाइम कंज्यूमिंग। मैं पहले ही एनएसडीएल को अप्लाई कर लूंगा कि मुझे सिक्योरिटीज देनी है, आप मुझे अलॉट करके दे दो, तो वो जनरेट करेंगे नए सिक्योरिटीज और वो जनरेट करके स्टॉक एक्सचेंज को देंगे, जिस स्टॉक एक्सचेंज में आई वॉन्ट टू गेट रजिस्टर्ड। और स्टॉक एक्सचेंज में जो भी मेंबर आएगा या जो पर्सन आएगा जो सिक्योरिटीज खरीदेगा, वो वहां से इसके यहाँ से निकाल निकाल के उसके डीमैट अकाउंट में डालते रहेंगे, ठीक है। तो ये डिपॉजिटरीज ये सब काम करते हैं और इसके अलावा काफी और भी काम करते हैं। डिटेल में आप चाहे तो इनके ये पेजेस में आप पढ़ सकते हो, nsdl.co.in, ये देखो इसमें आपको उसके बहुत सारे काम नजर आएंगे। CDSL थोड़ा छोटू है लेकिन ये भी अच्छा है, देखो कितने सारे काम है, आपका पैन वैन का भी काम होता है यहाँ पे, ठीक है, देखो हाँ वो उसमें, लेकिन उसका उन्होंने ये अलग बनाया है। देखो अगर आपको पैन कार्ड का डिटेल्स देखना है तो आपको tin.nsdl पे जाना पड़ेगा, tin.nsdl, ठीक है, ये देखो tin.nsdl.com। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली देखो पैन के रिलेटेड काम दिखेंगे सारे, ये सारी वेबसाइट्स आपकी पूरी जिंदगी जाने वाली है इसमें। ये देख रहे हो पैन कार्ड ऐसे दिखता है कुछ तो भी, ये इस पे सारी जिंदगी आजकल आपकी जाने वाली है। देखो आप चाहो तो नए पैन कार्ड के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखो सर्विसेज में कितनी सर्विसेज है, TDS TCS की सर्विसेज है, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, हमने एनुअल रिटर्न्स भी देखे हैं, ऐसे बैंक्स के भी कुछ रिटर्न्स होते हैं, ये सारे रिटर्न्स इधर जाते हैं। देखो टैन, टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देखो, और ये पैन, ये क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये ओल्टास, ओल्टास क्या है, हाँ पेमेंट है ऑनलाइन, यहाँ पे ई पेमेंट ऑफ टैक्स ऑनलाइन, ई रिटर्न इंटरमीडिएट ऑनलाइन, पैन वेरिफिकेशन, ये इतनी सारी सर्विसेज देखो, TDS ऑन सेल ऑफ, ये हर एक चीज में आप जाकर ये काम कर सकते, ये सारे काम आप करेंगे अपनी जिंदगी में, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये CDSL है और ये NSDL है, इसके बारे में आप जान सकते हैं अबाउट अस में इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अभी ये डिपॉजिटरी वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरीज इन द वर्ल्ड, एस्टैब्लिश्ड इन 1996, पढ़ते आ रहे क्या, promoted by institution of national stature, has established a state of the art infrastructure that handles most of the securities held and settled in dematerialized form in Indian capital market. Although India had a vibrant capital market which is more than a century old, a paper based settlement of trade caused substantial problems like bad delivery, delay in transfer of title, etc. The enactment of Depositories Act in August 1996 paved the way of establishing an NSDL. तो अभी आप पहले के टाइम पे अगर आप सेल परचेस करते तो आपको फिजिकल वो सेल मतलब उसको जाके डिलीवर करना पड़ता था, अभी वो नहीं करता है। पहले एक सेल होने को हो सकता है हफ्ता लग जाता था, आप पैसे भिजवा रहे हो फिर वो वहां से उसका शेयर भिजवाएगा आप तक मिलेगा, पोस्ट में घुमा जाए तो अलग प्रॉब्लम, ये अभी होता है क्या, नहीं, आप इंस्टा इधर पैसा गया उधर आपकी डीमैट में सिक्योरिटीज ऐड हो जाती, कैसे, ये NSDL पॉसिबल करता है ये सब चीजें, ठीक है। ये आप चाहे तो डिटेल पढ़ सकते हो, टेक्नोलॉजी यूज करता है ये, हाँ कहाँ से आए हम लोग, डिपॉजिटरी से आए थे। तो ऐसे ही ये डिपॉजिटरी बेनिफिशियल ओनरशिप का भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ये रिकॉर्ड हमने वो देखा ना फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द कंपनी चैप्टर 2 में एंड में देखा था कि डॉक्यूमेंट्स अगर भेजना तो कंपनी कैसे भेजेगी, आपने देखा था याद है, पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि बेनिफिशियल ओनरशिप का जो लिस्ट है वो आपको डिपॉजिटरी से मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो इसलिए मैं बता रहा था। मेमोरेंडम में पता है आपको सेम है, मेमोरेंडम तो ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पर्सन्स ऑफ एनी प्रीवियस लॉ और दिस एक्ट। नेटवर्थ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व क्रेडिट आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या नहीं आता, एक्युमुलेटेड, हाँ ओके, हाँ पहले डेबिट और क्रेडिट पीएनएल, ओके वेरी गुड, एक्युमुलेटेड लॉसेस, हाँ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ और डेफर्ड एक्सपेंडिचर। इसका डिफरेंस पता है आपको, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और डेफर्ड एक्सपेंडिचर का, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पहले हुआ करते थे कंपनी फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस हुआ करते थे, तो ऐसे था कि वो बहुत बड़े एक्सपेंस थे फॉर्मेशन वाले, तो ये बहुत बड़े एक्सपेंस एक साथ अगर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डालू तो उस पर्टिकुलर ईयर में मुझे बहुत बड़ा लॉस दिखेगा बुक्स में, विच इज नॉट ट्रू। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बड़ा एक्सपेंस है इसको मैं क्या करूंगा, इसको डेफर करूंगा, मैं 5 साल में अलग अलग इसमें काटूंगा, वो डेफर्ड एक्सपेंडिचर रहते हैं। वैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, ये भी ऐसे बड़े एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया, बहुत बड़ा, लेकिन वो आप एक साल एडवर्टाइजमेंट का तो यार ऐसा है कि 2-3 साल तक उसका बेनिफिट आएगा आपको, तो आप क्या करोगे उसके जितने साल बेनिफिट आप सोचते हो कि जितने साल बेनिफिट आएगा उतने साल के लिए उसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टाइप पर 2 एस्टिमेट करके हर साल उतना उतना ये कर दो, पीएनएल में ट्रांसफर करते रहो।
सो बहुत सारे एक्सपेंडिचर ये सारे, और डज नॉट इंक्लूड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमलगमेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्थ का डेफिनेशन 4 मार्क्स के लिए एक बार पूछा गया था। हाँ मैंने बोला तो था, देखो मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पे 4 मार्क। अच्छा लिखा है, 4 मार्क्स करो उसको, MRKS। अच्छा है, रिवीजन में तो थोड़े पॉइंट क्लियर होते हैं। ऑफिसर बोले तो कौन, डायरेक्टर मैनेजर KMP एंड ऑल। ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है, एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू एनी पेनल्टी और पनिशमेंट बाय वे ऑफ इंप्रिजनमेंट, फाइन और अदरवाइज। मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी, नेमली होल टाइम डायरेक्टर KMP, फिर है डायरेक्टर और डायरेक्टर्स स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, फिर है एनी पर्सन चार्ज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एनी पर्सन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट, फिर एवरी डायरेक्टर हु इज अवेयर ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन, और लास्ट है इन केस ऑफ शेयर इश्यू और ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार्स या मर्चेंट बैंकर्स। एक बार ये गो थ्रू करो। हाँ, गिवन विद द स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, आर अकस्टम टू एक्ट, फिर एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन हु इज अवेयर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन, उसको पता था गड़बड़ हो रही है बट उसने कुछ किया नहीं है ना, और फिर उसके बाद इन केस ऑफ बैंकर्स, ये कब आएंगे, मर्चेंट बैंकर, इश्यू ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार, जब शेयर ट्रांसफर का प्रॉब्लम होगा तब, यानी आपने नया शेयर इशू करते हुए गड़बड़ किया है, या शेयर ट्रांसफर एक आदमी ने सेल किया शेयर, कंपनी ने सेलर और बायर का ये जो ट्रांजेक्शन था इसमें कुछ घपला कर दिया, तो ये लोग बीच में फंसेंगे। अब ये लोग ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, मतलब जितने भी हमने सेक्शन अपनी चैप्टर 2 में पढ़ा है, इम्प्रिजनमेंट है उसमें नहीं था 10,000 या 1,000 पर डे अप टू 1 लाख, ये सब किस पे लग रहा है, इन लोगों पे लगता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कोई भी नहीं है तो कंपनी में तो ऑल डायरेक्ट, ओके, 1% कंपनी, ORSR आपको पता है, सेक्शन 104 में देखेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल पता है, पोस्टल बैलेट भी आपको पता है। अभी एक एग्जांपल, तो पोस्टल बैलेट कहाँ पे करना पड़ता है, हमने अभी पढ़ा ना एक जगह की, वो बोला कि पोस्टल बैलेट से करो, चेंज करना है आपको, और आपके पास पहले के किसी के शेयर्स के आए हुए पैसे हैं, तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर के लिए आप एक एग्जिट ऑफर रखोगे जो प्रमोटर्स के थ्रू, और उसका रेट कौन डिसाइड करेगा, सेबी डिसाइड करेगा। तो याद आ रहा है ना, प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स एक्सेप्ट 1% कंपनी, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। बराबर है ना ये दो चीज, और जॉइंट होल्डर्स को सिंगल होल्डर पकड़ेंगे आप, कौन कौन मेंबर नहीं रहता, एम्प्लॉयमेंट या फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट, ओके, इन्विटेशन टू पब्लिक दे सकते हो क्या, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इन्विटेशन दे सकती, नहीं तो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या, कुछ होगी ना, नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी को तो नहीं लगती, और यहाँ पर बोला है कि इसको भी कुछ है नहीं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट। प्रमोटर बोले तो क्या, पर्सन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, कंट्रोल्स ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, प्रोवाइडेड प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं पकड़ने का। प्रोस्पेक्टस बोले तो ऐसा चीज, बहुत सारी चीजें आती है उसमें, प्रोस्पेक्टस बोले तो जिसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और बस इतने दो ही प्रोस्पेक्टस बताए, नोटिस सर्कुलर्स आते हैं। प्रोस्पेक्टस का जब चैप्टर आएगा तो हम एक एक वर्ड समझने वाले, ये बड़े बड़े कंसेप्ट है, इसीलिए मैं पर्पजफुली यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ वॉट डू मीन बाय रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, वहां पर हम लोग फिर से यहीं से प्रोस्पेक्टस से स्टार्ट करेंगे। ओके, पब्लिक कंपनी पता है जी, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और जिसको मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है जो, ओके ओके, रजिस्टर रजिस्ट्रार, रिलेटेड पार्टी बोले तो क्या, KMP और उसके रिलेटिव, फॉर्म जिसमें डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव हिज पार्टनर, प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव आर मेंबर और मेंबर और डायरेक्टर, फिर वे पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव होल्ड्स मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट, बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स आर अकस्टम टू एक्ट,
एज पर एडवाइस डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन बाय बोर्ड ऑफ अपने डायरेक्टर्स और मैनेजर्स. फिर एनी पर्सन ऑन हूज एडवाइस इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट. एक्सेप्शन प्रोफेशनल कैपेसिटी दोनों पॉइंट्स के लिए. फिर होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडियरी. बोल के बताओ. हाँ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो इज. हाँ तो उस पॉइंट कैसा लिखा है उसने. सब्सिडियरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडियरी. लास्ट है इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर का. ओके लास्ट अदर में क्या है. डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ होल्डिंग कंपनी आर रिलेटेड पार्टी फॉर सब्सिडियरी कंपनी. बहुत अच्छे. तो एक बात बताओ प्राइवेट कंपनी पे क्या क्लॉज 8 अप्लाई होता है. क्लॉज 8 पहले देख लो क्या है. होल्डिंग सब्सिडियरी वाला क्लॉज है. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या प्राइवेट होल्डिंग. ये जो पूरा क्लॉज 8 है ना ये यहां पर आप साइड में ये नीचे लिखा है मैंने बट आप यहाँ पे लिख लो एक्सेप्शन क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग को याद नहीं होगा. ये पहला है प्राइवेट कंपनी और दूसरा क्या है IFSC पब्लिक कंपनी. वहां पे दिया है बट यहां पर देना है तो बस उसके बाजू में लिखा रहेगा तो आपको क्लिक होगा ना. ये आठवां जो पॉइंट है इसके एक्सेप्शन है. कहां से लाया मैंने ये. इससे लाया है. देखो ये जो एरो मारा है मैंने दिख रहा है ये यही है बस. ठीक है भगाओ मैं आगे. नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपस में जितना करना है आपको ट्रांजैक्शन आप कर लो. ओके ओके रिलेटिव में कौन कौन आता है. मेंबर ऑफ HUF हस्बैंड और वाइफ. अदर अदर में फादर स्टेप फादर मदर स्टेप मदर सन सन्स वाइफ डॉटर डॉटर हस्बैंड ब्रदर स्टेप ब्रदर सिस्टर स्टेप सिस्टर. सन में स्टेप सन आता है. ओके शेयर का स्मॉल कंपनी क्या है. स्मॉल कंपनी मतलब अगर यानी पब्लिक कंपनी. वेरी गुड. Having paid up share capital less than equal to 50 lakhs. Two crores. भूलने का नहीं है. Exception क्या है इसके. हाँ 10 crores? 2 crores. ये देखो clause number 85 पढ़ो. कहाँ है. क्या पढ़ रहे हो आप. मैं turnover बोला हूँ 2 करोड़. ये देखो और पेड अप शेयर कैपिटल देख रहे हो 50 लाख. आप लोग ये आगे ये जो पढ़ रहे हो प्रिस्क्राइब पढ़ो ना. रूल्स में उनके पास पावर है. ये पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 10 करोड़ वो बोल सकते हैं. टर्नओवर अप टू 100 करोड़ बोल सकते हैं. ठीक है सेक्शन एक रिक्वायरमेंट बोलता है. सेक्शन ने रूल्स को पावर दिया कि भाई मैं तो बोल रहा हूँ 50 लाख. तू चाहे तो 50 लाख को कल को अमेंडमेंट लाके मतलब अमेंडमेंट भी क्या लाना है उनको रूल्स बदलना है. कल को तो रूल्स में जाके 50 लाख की जगह 1 करोड़ बोल सकता है. 2 करोड़ बोल सकता है. 3 बोल सकता है. 9 करोड़ 90 लाख बोल सकता है. 10 करोड़ बोल सकता है. 10 करोड़ 1 रुपीज नहीं बोल सकता क्योंकि सेक्शन ने उसको लिमिट दे दिया. तो आपको आइदर आप चाहो तो दोनों याद रखो. पहले आपसे 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 2 करोड़ याद रखो. बहुत ज्यादा अच्छे से जब आपको याद हो जाएगा तो आप ये आगे का लाइन उसमें ऐड कर सकते हो या एज वी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ और यहाँ पे एज वी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़. ठीक है तो बेसिक याद रखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख टर्नओवर 2 करोड़. उधर पेड अप शेयर कैपिटल को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अप टू 10 और इधर टर्नओवर को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अप टू 100. एक्सेप्शन क्या है. होल्डिंग सब्सिडियरी सेक्शन 8 और स्पेशल एक्ट. ओके सब्सक्राइब कैपिटल है सब्सिडियरी का आपको पता है. सब्सिडियरी बोले तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं. कल ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था उस दिन तो उसमें था नहीं क्या कि कंट्रोल्स मोर देन 9 out of 10 डायरेक्टर्स. याद है क्वेश्चन पढ़ा था. ये भी इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर. ओके शेयर कैपिटल में क्या आता है ये भी देख लिया आपने. एक्सेप्शन रहता है.
कहीं कंफ्यूजन है उसमें? ओके, वो लेयर ऑफ सब्सिडियरी के बारे में बात कर रहा है, वो जो प्रोविजन है दो। स्वेट इक्विटी शेयर अभी हमने देख लिया, हाँ स्वेट इक्विटी शेयर 88 किस बारे में बात करता है? डायरेक्टर एम्प्लॉयज को डिस्काउंट में मिलता है ये, या हो सकता है फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश में मिल रहा हो। ये क्यों मिलता है? फॉर बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस विद नो हाउ या दे आर मेकिंग अवेलेबल एन आईपीआर, या वैल्यू एडिशन है। टोटल वोटिंग पावर बोले तो क्या, अगर कंपनी के सारे लोग एक रूम में आके बैठे और वोटिंग कर रहे तो वो टोटल वोटिंग पावर है। ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी, अपेलेट ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी, अपेलेट ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। टर्नओवर बोले तो टर्नओवर, मतलब ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनलिमिटेड कंपनी बोले तो नो लिमिट ऑन इट्स लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, वोटिंग राइट बोले तो राइट टू वोट। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी देख रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कहां से कहां तक सेक्शन नंबर देखे थे? थ्री से स्टार्ट किया था, थ्री था पहले, एक एक करके देख लेते। थ्री क्या था? थ्री क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात कर रहा। फॉर्मेशन के लिए उसने स्टेप्स बताई थी आपको, क्या स्टेप्स बताई थी? एमओए, डिक्लेरेशन, हाँ, ये सब कुछ कहाँ है देख रहा है आपको? सेक्शन थ्री में या सेक्शन सेवन में? अगर आपको पब्लिक कंपनी बनाना है तो कितने मेंबर लगेंगे? प्राइवेट लगाना है तो, और वन पर्सन के लिए बस वही बताया इसने, ठीक है। सेक्शन फोर क्या है? एमओए। सेक्शन फाइव देख लो, एक एओए। आपको लिस्ट चाहिए क्या सेक्शंस का? वैसे ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको चाहिए तो वो भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप गलत सेक्शन कोट कर दो, ठीक है। तो अभी यहाँ तो आपने नंबर बोल दिया, सेवन में प्रोसेस हम बोलना स्टार्ट कर रहे थे। पहला प्रोसेस क्या था? एमओए एओ दिया, फिर आपने दो क्या दिए? डिक्लेरेशन। पहला डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? persons engaged in the formation of the company and persons named in the articles. तो मतलब ये लोग सब्सक्राइबर है क्या? नहीं, ये लोग है वो सी ए सी एस वाले एक्सपर्ट्स प्लस जो डायरेक्टर्स है वो लोग है, सब्सक्राइबर का नहीं है इसमें। ओके, ये लोग क्या बोल रहे हैं? The requirements of the act, precedental and incident to the registration of company are complied with. सिर्फ एक्ट नहीं, रूल्स गिवन देयर अंडर एज वेल, ठीक है। पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल डेट टू हैव बीन कंप्लाइड विद। दूसरा डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? सब्सक्राइबर। ये लोग तीन चीजें बोल रहे हैं आपको। पहला, दे हैव नॉट कमिटेड एन ऑफेंस इन रिलेशन टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा, नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट फॉर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ फॉर ड्यूरिंग लास्ट फाइव ईयर्स, प्रीवियस फाइव ईयर्स, एंड देन ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार आर कंप्लीट, ट्रू, करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ। ये दो डिक्लेरेशन हो गए। इसके अलावा आप क्या दे रहे हो? एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, और अब क्या दे रहे हो? पर्टिकुलर। कितने पर्टिकुलर है? तीन। पहला पर्टिकुलर, पहले कौन दे रहा है? सब्सक्राइबर दे रहा है। वो क्या बता रहे? अपना नेम, सरनेम, फैमिली नेम, आइडेंटिटी, हाँ, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सेम दूसरा है, वो कौन दे रहा है? डायरेक्टर्स दे रहे हैं, उसमें एक ऐड है डीन, उसके बाद वापस डायरेक्टर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अदर इंटरेस्ट बता रहे हैं आपको, दूसरे कंपनी में कुछ इंटरेस्ट है तो। वेरी गुड। इसके बाद ये सब जानने के बाद वो आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके अंदर क्या रहेगा? सिन नंबर रहेगा। अगर आप, अच्छा आप कब तक मेंटेन करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स? जब तक कंपनी है, जब तक है जान तब तक। ओके, इसके बाद अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन बताई ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी दिए उसको 447, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सबको 447, कंपनी के साथ क्या होगा? ट्रिब्यूनल के पास पावर है। क्या क्या पावर है? पास सच ऑर्डर्स इन रिलेशन टू रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, या डायरेक्टर लाइबिलिटी टू बी अनलिमिटेड, नेम क्या कर सकते हैं उसका? रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम रजिस्टर, उसके बाद वाइंडिंग अप कर सकते हैं, या सच अदर ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। इसमें कोई लिमिट ही नहीं है इसको, लेकिन क्या करना पड़ेगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, प्लस जो दूसरे कंपनी ने ऑब्लिगेशन लिए है ट्रांजेक्शन उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अति टैलेंटेड है। स्पाइस क्या है? सिगरेट परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी
इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे लिख रहा है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. ओके, अब आता है 1% कंपनी. 1% कंपनी को ऊपर दिए हुए पॉइंट्स के अलावा एक एडिशनल पॉइंट कुछ करना है. नॉमिनी, नॉमिनी ऐसे बना देंगे किसी को, उससे क्या लेंगे रिटर्न कंसेंट. क्या आगे वाला पर्सन रिटर्न कंसेंट वापस भी ले सकता है? क्या आगे वाला पर्सन डिक्लाइन भी कर सकता है? क्या आप उस नॉमिनी को बदल सकते हो? क्या ये चेंज इन अल्टरेशन इन मेमोरेंडम कहा जाए? ओके, तो आप कितने कंपनीज बना सकते हो ओबीसी? कितने कंपनी में नॉमिनी रह सकते हो? क्या एक बनाकर एक में नॉमिनी भी रह सकते हो? दूसरी का ओनर मर गया तो 182 डेज तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसके बाद आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. क्या ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी में? क्या ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती? क्या सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट हो सकती है? कब? 2 साल के बाद, वॉलेंटरीली आफ्टर 2 इयर्स, और एल्स प्रोडक्शन कैपिटल 50 लाख 2 करोड़. दिखा याद है पॉइंट, दिख रहे हो नीचे, दिखा आपको है ना, 50 लाख और 2 करोड़. अच्छा, आप क्या बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम कर सकते हो? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का नहीं. ओके, वेरी गुड, मोस्टली पॉइंट आपको याद रह गए. ओके, सेक्शन 8 कंपनी किस काम से बनती है? चैरिटेबल काम करने, वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, चैरिटी हो, रिलीजन हो, या एनवायरमेंट हो. प्रॉफिट का क्या करोगे? हाँ, डिविडेंड दे सकते हैं. प्रॉफिट प्रमोट सेम काम के लिए यूज करेंगे. ये आपको लाइसेंस सीजी देता है. सीजी ने आरओसी को बोला तू दे, और बोला प्लस सुन, अगर मैं चाहूं तो मैं भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकता हूं. ओके, अगर सीजी को गुस्सा है आप पे तो क्या वो आपके साथ कुछ कर सकती है? क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं. पहले तो जिस दिन लाइसेंस मिला था उस वजह से आपके नाम से क्या निकाला गया था? लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. जब आपको लाइसेंस मिला था आप सेक्शन 8 बन गए, तो आपको लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कुछ लगाने की जरूरत नहीं. लेकिन जब गुस्सा आता है उनको तो लगवा सकते हैं, अमलगमेट कर देंगे, वाइंड अप भी करा सकते हैं. वेरी गुड. वाइंडिंग अप में अगर पैसा बचा है तो पहले सिमिलर ऑब्जेक्ट में डालेंगे. सिमिलर ऑब्जेक्ट वाला भी नहीं है तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी. आग रे आग है, तुम लोग आग हो. अच्छा, तुम्हारा नाम आग. ओके 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 ओके. अ फर्म में भी मेंबर इन सेक्शन 8 कंपनी, ये भी याद रखना. मैंने इस पे स्टार करवाया था आपको. अल्टरेशन करना हो आपको तो अपने मेमोरेंडम में, सेक्शन 8 कंपनी हो, आपको मेमोरेंडम में अल्टरेशन करना है. सीजी के अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते. सीजी का अप्रूवल. ओके, ये पावर अभी रीजनल डायरेक्टर के पास है. कन्वर्जन के लिए भी आपको एसआर पास करना है. लाइसेंस रिवोक करने के पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी. ओके, वाइंड अप अमलगमेट वाले पॉइंट बोले हमने. सिमिलर ऑब्जेक्ट में अमलगमेट करेंगे. आपके सारे प्रॉपर्टीज, पावर, राइट्स, इंटरेस्ट, अब उसके प्रॉपर्टी, राइट, पावर, लाइबिलिटी हो जाएंगे. डिसॉल्यूशन का भी बोला, इंसॉल्वेंसी फंड का भी बोल दिया. कितने सारे पैरा, कितने फास्ट रिवाइज हो गए ना. ओके, पेनल्टी गड़बड़ की तो क्या? 10 लाख 2 करोड़. किसको? और बाकी लोगों को पहले इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और 25 लाख 25,000 25 लाख और बोथ भी तो है और बोथ भी तो है ऐसे कैसे भूल रहे इसलिए मैंने ऐसा लिखवाया था देखो अप टू 3 इयर्स 25,000 25 लाख और बोथ हाँ कुछ पावर्स भी आपको 21 की जगह 14 दिनों में इस पे एमसीक्यू सॉल्व किया आपने देखा ना मैं बोला ना आते हैं एमसीक्यूज फिर ए रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई और एनआरसी और एसआरसी बनाने की आपको जरूरत नहीं है. एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी है फाउंडेशन से अभी तक, वो सब आपको अप्लाई हो जाएगी. आप खुद प्रॉपर्टी ले सकते हो. यू कैन सू समवन, समवन कैन सू यू, और सब बातें चलती रहेगी. मेमोरेंडम बहुत अच्छी चीज है. मेमोरेंडम में कितने क्लॉज है? 7 है. बहुत सारी चीजें उसमें है ना. और मेमोरेंडम चालू कर. मेमोरेंडम है क्या? व्हाट डू मीन मेमोरेंडम? Or altered from time to time. Applied in persons of this act or any previous company. MOA में आपके basic overall दिया रहता है. सबसे पहले object clause, उसमें क्या रखा रहेगा? आप किस लिए बने हो? क्या आप object के बाहर का कुछ कर सकते हो? किया तो उसको क्या मैं rectify कर सकता हूँ? उसको क्या बोलते हैं बाहर का किया तो? Ultra-vires. और MOA के अंदर है लेकिन AOA के बाहर है. Intra-vires है but that can be rectified. AOA के भी अंदर है तो भाई normal काम है, वो तो करते ही.
नेम क्लॉज में आपको बोला था कि आप अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड लगाओ, अगर आप आईएफएससी हो तो आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड आईएफएससी पब्लिक लिमिटेड लगाओ, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो क्या लगाओगे, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी हो तो क्या लगाओगे, ओके। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ रहेगा, जहाँ जिस आरओसी के अंडर आप, ऐसे आपकी मर्जी है किधर भी आप रख सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में हमने देखा ना, पहले एड्रेस ऑफ करेस्पोंडेंस होता, फिर वेरिफिकेशन करते कितने डेज में, 30, 60 या 180। हाँ ओके, इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, देखेंगे अभी। अच्छा लाइबिलिटी के बारे में क्या बोला है, आपकी लाइबिलिटी कैसी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर इनकेस ऑफ लिमिटेड ऑफ शेयर्स अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी है तो अमाउंट गारंटी, और ये कब तक गारंटी के केस में आप, अगर अभी वाउंड अप हो रहा है तो अभी मैं आपसे मांग सकता हूँ, आपके मेंबर मेंबरशिप छोड़ने के एक साल तक भी मैं आपसे मांग सकता हूँ, लेकिन कौन सी लाइबिलिटी के लिए, जो आप जब मेंबर थे तब जो लाइबिलिटी इनकर की गई थी उसी के लिए मैं आपसे कॉस्ट और चार्जेस ऑफ फाइंडिंग अब भी मांग सकता हूँ, और मैं आपसे एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स अमंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी पैसे मांग सकता हूँ। ओके ओके, नेम क्लॉज में ऐसा आपका नेम कैसा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल विथ और रिसेम्बल टू नियरली टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यूज करने से ऑफेंस हो रहा हो या गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल हो, गवर्नमेंट बोलता है क्या अनडिजायरेबल है, ऐसा नाम जो आपको ऐसा बोलता है कि आप मतलब गवर्नमेंट से अफिलिएटेड हो, है ना, ये ऐसे वर्ड्स आप यूज नहीं करेंगे, उसके लिए रूल में बोला है कमीशन अथॉरिटी अंडरटेकिंग नेशनल यूनियन सेंट्रल फेडरल रिपब्लिक प्रेसिडेंट, ये सारे वर्ड्स नहीं आने चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस बैंक स्टॉक एक्सचेंज ये सारे वर्ड्स यूज कर रहे हो तो जो रेगुलेटर्स है उनकी परमिशन लेके आओ तभी यूज कर सकते हो। अगर आप नए कंपनी हो और आपको नाम चाहिए या पुरानी कंपनी हो आपको आपका नाम बदलना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, रिजर्व यूनिक नेम RUN फॉर्म। अगर आप नए कंपनी है तो आपके लिए हम कितने दिन के लिए रिजर्व करेंगे, 20 डेज, अगर आप पुराने कंपनी है तो 60 डेज, वेरी गुड। और अगर आपने ये 20 डेज या 60 डेज में फॉर्म नहीं भरा तो हम कैंसिल कर देंगे, अगर आप नई कंपनी है तो आपको 1 लाख का फाइन लगेगा, अगर आप पुरानी कंपनी है तो आपको 3 महीने के अंदर नेम वगैरह चेंज करना पड़ेगा, स्ट्राइक ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी या मेक फॉर पिटीशन ऑफ बाइंडिंग अप, और ये सारे सर्कुलर्स है, RUN फॉर्म है नीचे दिया हुआ। ओके, डोमिसाइल में सिर्फ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो बताना है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावॉयस हमने लगभग पूरा डिस्कस कर लिया अभी, है ना। फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आपको मिनिमम 1 सब्सक्राइब करना ही है। ओके, ए बी सी डी ई एफ, ई सॉरी नॉट एफ, ए बी सी डी ई, ये मेरे रैंडम के फॉर्म है, काय काय के हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, दूसरा तीसरा हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल, अमेजिंग। ऐसा कोई आर्टिकल में मेमोरेंडम में आप चीज डाल रहे हो जिससे ऐसा साबित हो रहा है कि आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो और आप अपना शेयर और प्रॉफिट किससे शेयर कर रहे हो, नॉन मेंबर से, तो वो वॉइड रहेगा। आर्टिकल बोले तो एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर टाइम टू टाइम अप्लाइड इन पर्सन्स ऑफ दिस एक्ट और इन द एनी प्रीवियस लॉ। ओके, तो आर्टिकल आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, पहले तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं इसमें आप अलग से भी कुछ डाल सकते हो एक्स्ट्रा, जो कंपनीज एक्ट नहीं बोल रहा है आप बोल रहे हो, ऐसे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन आप डाल सकते हो। एक कंसेप्ट आता है एंट्रेंचमेंट, मतलब क्या होता है आप चीजों को और स्ट्रिक्ट कर रहे हो, कंपनीज एक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, एंट्रेंचमेंट करना है तो आप बिफोर मेकिंग AOA आप कर सकते हो, बिफोर कोई प्रॉब्लम नहीं, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर आप कर रहे हो तो SR इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, हाँ ऐसा कुछ था, ये देखो ये यहाँ पे प्राइवेट है तो सारे मेंबर्स का परमिशन लगेगा और पब्लिक है तो SR से काम चल जाएगा, याद है इसलिए मैंने ये बना के रखा है, मेरे को एग्जैक्ट पता किधर भूलते लोग। ओके ओके, ये एंट्रेंचमेंट के फॉर्म्स देखे थे, एग्जांपल फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल में क्या है, FGHIJ, F बोले तो लिमिटेड बाय शेयर्स, जी बोले तो लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, एच बोले तो गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, आई बोले तो अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जे बोले तो अनलिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ओके, ये मॉडल आर्टिकल से आप चाहे तो इसको बदल सकते हैं, आप चाहे तो मॉडल आर्टिकल जो FGHIJ इसमें से कोई एक अडॉप्ट करो, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके आप रख सकते हैं, अगर फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट आया तो हम अज्यूम करेंगे वो अमेंडमेंट ऑलरेडी आपके इसमें भी इनकॉर्पोरेट हो गया। डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, बाहर के लोगों को अपने से बचाता है, बराबर ना, वो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अंदर सारी चीजें बराबर हुई होगी, उसका अपोजिट क्या है,
कंस्ट्रक्ट हो, ये अंदर के लोगों को बाहर के लोगों को समझा, वो बोलता है कि आपने हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़े रहने चाहिए ऑलरेडी। ओके ओके, एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, पहला आपको पता था, एक तो आपको पता था नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा आपको पता नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत करते तो पता चल जाता, और लास्ट फॉर्जरी, फॉर्जरी आप किसी के लिए कोई ये नहीं। क्या बड़ा होता है एक्ट या एमओए या ए, एक्ट बड़ा होता है, लेकिन एक्ट बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू एमओए, तो एमओए कस्टम। ओके, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, एक बार मेमोरेंडम आर्टिकल आपके रजिस्टर हो गए तो मेंबर्स कंपनी विल बी लायबल टू मेंबर्स, मेंबर्स विल बी लायबल टू कंपनी, यूजुअली मेंबर्स आर नॉट लायबल टू ईच अदर, बट इन स्पेसिफिक स्पेशल केसेस ये भी लायबिलिटी आ जाती है। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक कर ले। अच्छा ठीक है, एक एक से करते हैं। नेम चेंज करना है तो अगर आप सिर्फ प्राइवेट का पब्लिक कर रहे हो तो कुछ नहीं, अगर अदर देन डेट कुछ चेंज है तो सीजी का परमिशन लगेगा आपको। ओके वेरी गुड, अगर आपने ड्यूरिंग ड्यूरिंग लास्ट ईयर या कुछ साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, तो क्या आप नाम चेंज कर सकते हो? क्या आपने डिबेंचर्स लिए थे उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, डिबेंचर्स रिडीम नहीं किए तो नहीं कर सकते। कब कर सकते हो फिर? जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद कर सकते हो। प्रोविजन बना रहे तो भी चलेगा, ये इसमें प्रोविजन नहीं है, इसमें आपको गड़बड़ ठीक करनी है। ये देखो ना यहाँ पे लिखा है चेंज इन नेम, ये देखो रूल, ये वाला पॉइंट पढ़ो, यहाँ से चेंज इन नेम शैल नॉट बी अलाउड टू अ कंपनी व्हिच हैज नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, और व्हिच हैज फेल्ड टू पे और रिपे मैच्योर डिपॉजिट और डिबेंचर और इंटरेस्ट दौरान, प्रोवाइडेड दैट अ चेंज ऑफ नेम शैल बी अलाउड अपॉन फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट और पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट डिबेंचर और इंटरेस्ट दौरान एज द केस में भी। इसमें प्रोविजन बनाने से काम नहीं चलेगा, वो रजिस्टर्ड ऑफिस का जब आप चेंज कर रहे हो ना तब प्रोविजन से काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पे पे ही करना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक सुधारो तो ही आपका नाम बदलने देंगे हम। ओके, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ओके, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, नेम चेंज, रजिस्टर ऑफिस भी आप चेंज कर सकते हैं। एक एक मिनट, हाँ इसमें क्या है, विद इन सिटी, यहाँ पे कहाँ कहाँ है वो, कहाँ गया हो, कहाँ गया हो, किधर गया हो, कुछ तो भी नहीं है, अरे कुछ तो भी, हाँ अगर आप विद इन सिटी चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बोर्ड रिजोल्यूशन। ओके, अगर आप विद इन एन आरओसी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी कर रहे हो, स्पेसिफिक स्पेशल रिजोल्यूशन और 30 डेज में किसको भेजेंगे, आरओसी को। अगर आप विद इन स्टेट फ्रॉम वन आरओसी दूसरे आरओसी, रीजनल डायरेक्टर का परमिशन लगेगा। इसके लिए क्या क्या आपके पास है, पहले देखो 30 डेज रीजनल डायरेक्टर, फिर 60 डेज में कंपनी को बताएगा, और हम लोग 30 डेज में आरओसी को बताएंगे। नहीं क्या, 30 डेज में, 60 डेज में आरओसी, आरओसी नोट कर लेगा 30 डेज, वही बोला था ना, अलग बोला था मैं, अलग गलत बोल दिया था मैंने कुछ। ओके होता रहता कभी कभी। ओके, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसमें वापस एसआर, लेकिन ये सीजी अप्रूवल लगेगा, इसमें 60-30 है, सीजी के पास 60 डेज है अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने, और अपने पास 30 डेज है क्या करने, आरओसी को बताने। सेक्शन 8 में हाँ नहीं, मेमोरेंडम में आपको अगर ये चेंज करना है, अल्टर करना है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तो आपको लगेगा सीजी का परमिशन। और इसमें दो केस में फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है, नेम में और ये स्टेट में। वापस ऊपर जा रहा हूँ मैं लाइफ में, कहाँ थे हम, ये सारे चेंजेस। ओके, 30 डेज विजिबल प्रॉफिट, ये भी आपने देखा ना, कहाँ से आए थे हम लोग, यहाँ से आए थे, नहीं रुको, हाँ यहाँ तक हो गया था, चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, ये देख लिया हमने, 60 डेज में डिस्पोज करेगा। ओके, यहाँ पर देखो सिक्योरिटी देना काफी है, देखो यहाँ पर डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन इन 60 डेज, सीजी में डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन 60 डेज, कब, अल्टरेशन हैज द कंसेंट ऑफ क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर या अदर पर्सन, सफिशियंट प्रोविजन हैज बीन मेड बाय द कंपनी आफ्टर आइदर फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ऑल डेट्स एंड लायबिलिटी, या उसने सिक्योरिटी देके रखी है, ठीक है, फिर ये रजिस्ट्रार के पास अपन फाइल कर देंगे। उसके बाद इश्यू ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर से ये देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था ना, पोस्टल बैलेट से भेजना पड़ता है, कब भेजना पड़ता है, जब आपने पैसा लेके रखा है और वो पैसा आपके पास है पुराने ऑब्जेक्ट का।
और सिर्फ पोस्टल बैलेट से भेजने से हो जाएगा या और भी कुछ करना है? न्यूज़पेपर में देना है, एक इंग्लिश एक वर्नैक्युलर, और वेबसाइट पे भी डालना है। डिसेंडिंग शेयरहोल्डर्स को एग्जिट ऑप्शन देंगे सेबी के कंसल्टेशन के साथ। ओके, रजिस्ट्रार के पास 30 डेज है एसआर देने का। आर्बिट्रेशन टू बी रजिस्टर्ड, ओनली मेंबर शुड हैव राइट टू टू क्या पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जितनी कॉपी में अल्टरेशन के, मतलब जितनी भी कॉपीज है आपके पास सब में अल्टरेशन हो जाना चाहिए, और अगर गलती से भी आपने अनअल्टर्ड सेंड कर दिया तो 1000 पर कॉपी का फाइन लग जाएगा आपका। आर्टिकल में भी वही है, स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ता है ना। ओके, अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बन रहे, तो हम क्या बोलेंगे, आप सारे प्रोविजन जो कन्वर्जन के हैं वो फुलफिल करके ही फिर अल्टरेशन के लिए आओ, ठीक है। तो अगर प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी बन रही है तो हाँ, पब्लिक अगर प्राइवेट बनेगी तो सीजी का अप्रूवल है। वेरी गुड, वेरी गुड। इफ यहाँ पे अल्टरेशन जो भी है 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा आपको। ओके, एवरी कॉपी में नोट करो, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। यहाँ पे मैंने आपको याद दिलाया था 117 में, 117 ये ऐसा बोलता है कि हर एक मेंबर को राइट है कि वो आप मेमोरेंडम आर्टिकल या सेक्शन 117 में जितने डॉक्यूमेंट्स दिए गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स बुलाए आपसे। वो आपको बोलेगा मेरे को ये चाहिए डॉक्यूमेंट, आपको कितने दिन में देना पड़ेगा? 7 दिन के अंदर। तो सेक्शन 17 बोलता है 7 डेज के अंदर 117 डॉक्यूमेंट्स दे दो। 17 सेक्शन बोलता है कि 7 डेज में आप 117 वाले डॉक्यूमेंट्स दे दो। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, ओके, क्या पीओ बॉक्स नंबर चलता है या ऐसा लाइव ऑफिस चाहिए जहां पे कोई है हमेशा रिसीव और ये करना? पीओ बॉक्स नंबर नहीं चलता। आप जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, ये जो अपन 30, 90, 160 जो कंफ्यूज हो रहे थे, यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताना है। देखो, कंपनी शैल विद इन 30 डेज क्या कर रहा है ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एट ऑल टाइम्स देयर आफ्टर हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशंस। क्या इसका वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा? कितने दिन में? 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर आपकी कंपनी, आपके बिल्डिंग के ऊपर आपको नाम लिखते हो तो अपने कंपनी का नाम लिखना है, आपको कॉन्स्पिकस पोजीशन पे लेजिकल लेजिबल कैरेक्टर में लिखना है, आपको लेटर लेटर वर्क्स लेटर हेड डॉक्यूमेंट कंपनी सील हर जगह पे अपने कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? लोकल लैंग्वेज। ओके, वेरी गुड। नेम चेंज हुआ होगा अगर आपका ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स, तो आपको पुराना नाम भी लिखना पड़ेगा। ओपीसी हो तो आपको ओपीसी भी लिखना पड़ेगा वहां पे। नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज इनकेस ऑफ IFSC पब्लिक और प्राइवेट कंपनी 30 की जगह 60 डेज है, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो ROC को आप 30 डेज में देते हो ना, बट IFSC कंपनी के लिए ये 60 डेज है। तो ये जो अपन टेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन ने अभी जस्ट, हाँ, अगर उनको शक हुआ आप पे तो वो भी करा सकते हैं वेरिफिकेशन। ये भी हमने पूरा पढ़ा ना अभी, ये चार्ट में से। इन केस ऑफ डिफॉल्ट 1000 पर डे मैक्स 1 लाख। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, क्या आप डायरेक्टली कमेंस कर सकते हो या कुछ रिक्वायरमेंट है? क्या देना है आपको? डिक्लेरेशन देना है विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलोगे आप उसमें कि जितने सब्सक्राइबर ने बोला था कि हम लेंगे वो उन्होंने शेयर्स ले लिए, प्लस हमने हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन भी कर लिया, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमने हमारा पैसा भी लगाया है, हमारी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, अब हम बिजनेस चालू करते हैं। तब कंपनी गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आप कर लो, तो नहीं अगर ये कर पाए तो 50,000 रुपीज का पेनल्टी और ऑफिसर को 1,000 पर डे और 1 लाख रुपीज। अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया और ROC को लगता है कि आप काम भी नहीं कर रहे, तो ROC खुद से आपका नाम रिमूव कर देगी इसमें से, रजिस्टर में से। ओके, और अगर आपको काम करना स्टार्ट करने से पहले किसी सेक्टर और रेगुलेटर का परमिशन लाना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल RBI के परमिशन के बिना आप बैंकिंग का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कंपनी फॉर्म होगी दैट डजंट गिव यू परमिशन टू स्टार्ट फंक्शनिंग एज अ बैंक। तो आप जब इनकॉर्पोरेशन वेरिफिकेशन करोगे साथ में RBI का परमिशन लेटर भी भेज दो,
क्या आरबीआई ने हमको बैंकिंग का वर्क करने का परमिशन दे दिया, हमारी कंपनी का फॉर्म हो गया वेरीफाइड और रजिस्टर्ड ऑफिस भी हो गया, अब हम अपना काम चालू करना चाहते हैं। नहीं नहीं हमको लेना है ना आरबीआई से, हाँ आरबीआई के पास आपको एनलिस्ट करना पड़ता है खुद को, आरबीआई ने परमिशन दिया तो ही आप बैंक कंपनी बनाओगे या एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसको बैंक का नाम देंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी होता है ना, सीजी को लग रहा है कि आपका नाम, पहले पॉइंट में ए पॉइंट में सीजी को लगता है कि आपका नाम किसी और बिजनेस के नाम से मैच होता है, तो क्या करेंगे, 3 महीने के अंदर आपको बोलेंगे चेंज करा लो। किसी और इंसान को लग रहा है कि इस कंपनी का नाम मेरे कंपनी के नाम से मैच करता है तो 3 साल तक अप्लाई कर सकता है फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ और आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर सीजी बोल रहा है चेंज करना तो आपको ओआर से भी चेंज आप कर सकते हैं, ओआर मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, क्योंकि यू डोंट हैव अ चॉइस एज सच। और कंपनी डिफॉल्ट किया तो 1000 पर डे और एवरी ऑफिसर के लिए कितना है 5000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज। ओके, आप कन्वर्जन भी कर सकते हो कंपनी का एक काइंड से दूसरे काइंड में, कन्वर्जन करना है तो आपको क्या अल्टर करना पड़ेगा, आपका एमओए और एओए और आरओसी को भी अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फ्रेश इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट मिलेगा और आपके लाइबिलिटीज पे कोई चेंज नहीं होगा, आपकी पुरानी लाइबिलिटी नए इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्या सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड कर सकती है? एक्सेप्शन क्या है, पहले एक्सेप्शन फर्स्ट ट्रस्ट नहीं है, फर्स्ट क्या है, देखो मत सोचो, वो थर्ड है रिप्रेजेंट लीगल एयर, ठीक है, तो लीगल एयर वाला है, दूसरा ट्रस्टी वाला है और तीसरा अगर आप पहले से शेयर होल्ड करके रख रहे हो, पढ़ लो फटाफट फटाफट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर होल्ड्स अ शेयर एज ट्रस्टी या इवन बिफोर इट बिकम अ सब्सिडियरी। और शेयर्स अगर आपकी कंपनी में शेयर्स ही नहीं है, यू आर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो आप क्या करेंगे, शेयर के जगह आप वो जो मेंबरशिप राइट है जो भी जिस तरह से आप मेंबर बनते हो वो ट्रीट करोगे। डॉक्यूमेंट कौन किसको देगा भाई, सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई भी इंसान कंपनी से बात करना चाहे तो कंपनी के को कहाँ पे भेजेगा, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में, और कैसे भेजेगा, पोस्ट से भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो, कुरियर से भेजो, ऑफिस में जाके रख के आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेजो, इलेक्ट्रॉनिक मीन बोले तो मेल फैक्स ईमेल नीचे लिखा था हमने, अभी तक उसमें व्हाट्सएप नहीं आया। ओके, सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार और मेंबर, तो आरओसी या मेंबर इन लोगों को डॉक्यूमेंट भेजना है कंपनी ने, इफ कंपनी वांट्स टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट टू आरओसी या मेंबर, सेम कहां भेजेगी, जो आरओसी का आपका एड्रेस है वो और जो मेंबर का एड्रेस है वो, कैसे भेजेगी, पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, डिलीवरी बाय ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक मींस। क्या आप कंपनी को पोस्ट से मेल भेज सकते हैं, आप कंपनी को नॉर्मल पोस्ट 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 भेज सकते हैं क्या, पक्का, सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू कंपनी में बोल रहा हूं ऐसा क्यों, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट दिख रहा है, जब मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट दिखता है, मुझे ऊपर तो पोस्ट नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिखा अलग से कहीं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो कंपनी ने अगर किसी को भेजना है तो कंपनी पोस्ट यूज कर सकती है, पोस्टल बैलेट भी, लेकिन कंपनी को अगर भेजना है, मतलब यू वॉन्ट टू सेंड समथिंग टू द कंपनी, इट हैज टू बी आइदर रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, वाई नॉट नॉर्मल पोस्ट, नहीं नहीं वैसा नहीं, वहां पे नॉर्मल पोस्ट में यू डोंट गेट अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट में आपको पता चल जाता है कि भाई दिस पर्सन हैज रिसीव्ड द पैकेज, समझे, तो कंपनी चाहे, कंपनी तो कुछ भी आपको नोटिस ऑफ मीटिंग भेजेगी, नॉर्मल पोस्ट से भेज देगी, उसको क्या गेंद देने आपको मिल रहा है कि नहीं, वो तो भेजने के बाद 48 आवर्स में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अभी नीचे पड़ा ना अपने, ठीक है, ध्यान दिया, एक वर्ड की वजह से कितना डिफरेंस हो सकता है। तो कंपनी चाहे तो इस पोस्ट यूज कर सकती है आरओसी या मेंबर से बात करने के लिए, बट आरओसी और मेंबर पोस्ट यूज नहीं कर सकते कंपनी से बात करने, उनको क्या यूज करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर या लीविंग द डॉक्यूमेंट एट द ऑफिस या इलेक्ट्रॉनिक मोड, बहुत स्मार्ट बहुत स्मार्ट बहुत स्मार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। निधि कंपनी में सबको भेजते क्या वो पोस्ट, नहीं मेजोरिटी नहीं, 1000 फेस वैल्यू और 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल,
और विच इज लेस। अच्छा, बाकी लोगों को फिर बताते ही नहीं क्या? कैसे बताते? न्यूज़पेपर में डाल दो ना। न्यूज़पेपर में डालो, ये देखो दिखा है यहाँ पे पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर सर्कुलेट इन डिस्ट्रिक्ट। और एक और काम करो ना, आपके ऑफिस का जो नोटिस बोर्ड है वहां पे भी डाल दो, तो जो बेचारे गरीब मेंबर है उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बोलते फैक्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड। ओके, पोस्ट, पोस्ट से डिलीवरी कब खत्म हुई बोलते? अगर मीटिंग का केस है तो 48 आवर्स, और नॉर्मल केस है तो डिलीवरी। ऑथेंटिकेशन कौन करता है? केएमपी या ऑफिसर हु इज ऑथराइज बाय द बोर्ड। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? मुझे कोई डॉक्यूमेंट मिला, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कंपनी ने ऑफिशियली भेजा है? किसी ना किसी कंपनी के आदमी का साइन चाहिए ना, कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती तो आदमी साइन करेगा। कौन साइन करेगा? केएमपी। केएमपी मतलब आपको पता है क्या होता है, ठीक है? क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी बना सकते हैं, कॉमन सील भी रख सकते हैं? यस, अब कंपनी बन गई, छोटी मोटी बातें मत पूछा करो सर। पर कॉमन सील नहीं रहा तो दो डायरेक्टर, कॉमन सील नहीं है और सीएस भी नहीं है तो डायरेक्टर, और सीएस है तो एक डायरेक्टर एक सीएस। छबराकू। लेकिन आपने कितने चैप्टर रिवाइज किए? दो। और क्या चाहिए लाइफ में आपको? क्या हम आगे जाए? क्या रिवीजन अच्छा लगा? Yes. मजा आया? Yes.